रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्मोनिया। हार्मोनिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज द हर्मोफ्रोडाइट। इट मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ ऑफ द सेक्स ऑर्गन फाउंड इन टू द सेम ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म में हर्मोफ्रोडाइट, नर और मादा जननांग एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इट्स एग्जिबिट प्रोटोगाइनी। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पहले मैच्योर हो जाते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, टेस्टिस से, और स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है वो बाद में होती है, अंडे पहले बनते हैं। ऐसी कंडीशन को प्रोटोगाइनी कंडीशन कहलाती है। और जब दोनों ही ऑर्गन, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साथ में डेवलप नहीं होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन, दो ऑर्गेनिज्म्स अलग अलग, दो हार्मोनिया अलग अलग चाहिए, और इसके कारण इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। गोनेड्स, लेफ्ट गोनेड लाइज इन द इंटेस्टाइनल लूप, इंटेस्टाइन के लूप के अंदर गोनेड पाया जाता है, एंड राइट लाइज अबव द पेरिकार्डियम, हार्ट का वो जो हमने बताया था पीले कलर का, उसके ऊपर हार्ट का जो आच्छाद है, पेरिकार्डियम कवर है, उसके ऊपर पाया जाता है गोनेड। ये जैसे देखें हम सेम के बीच की तरह, एक बीच में ट्यूब और आसपास दोनों तरफ इसमें 10 से 25 डिफरेंट लोब, दो लोब के अंदर जमे रहते हैं। एक बीच में एक मेन एक्सिस होती है। ईच लोब इज ए बाइसेक्सुअल आइलैंड। दोनों हर लोब के अंदर नर और मादा पाई जाती हैं। ये देखें जो डार्क वाला पोर्शन है सारा, ये ओवरीज वाला पार्ट है, और जो ये लाइट पार्ट है ये टेस्टिस वाला पार्ट है, और बीच वाली जो रेचीज है, बीच वाली जो मेन एक्सिस है, उसमें ये डक्ट्यूल सारी के सारी, जो ओवा वाली डक्ट्यूल है ये इसके अंदर खुलती है। ये मिलकर छोटी छोटी सी रेकीज मिलके फिर कॉमन डक्ट में खुलती है, कॉमन डक्ट को ओविडक्ट कहते हैं। और ये वाला जो डार्क वाला पोर्शन है, डार्क वाला पोर्शन के अंदर एक ट्यूब के अंदर एक और वापस दूसरी ट्यूब दिखाई देती है। इस दूसरी ट्यूब्स को सब जो ये छोटी सब ट्यूब मिलेगी, ये बाद में कॉमन ट्यूब का निर्माण करती है जिसका नाम है स्पर्म डक्ट, ओविडक्ट और स्पर्म डक्ट। अगर हम देखें तो ओविडक्ट, स्पर्म डक्ट ये अंदर है और ये ओविडक्ट बाहर वाली है, और ओविडक्ट और स्पर्म डक्ट दोनों कॉमन एक डक्ट के अंदर पाई जाती है। ये बाहर जो जिस अपर्चर से खुलती है जिसका नाम है ओविडकल अपर्चर, और अंदर ये एक और खुल रही है, दैट इज द स्पर्मेटिकल अपर्चर। ये सारी जो ओविडकल एंड स्पर्म डक्ट आर सेपरेट, रन पैरेलल टू ईच अदर इंटेस्टाइन एट्रियम नियर द एनस। एग एंड स्पर्म ट्रेवल टू द क्लोइका इन द सेम अमाउंट। जब जननांग और गुदा एक ही हो, ऐसे क्षेत्र को क्लोइका कहते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड द ट्रिकल स्पॉनिंग। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट फॉर्मेशन क्लीवेज ऑफ द लार्वा इज नोन एज द टेटपोल लार्वा। हार्मोनिया का जो लार्वा है वो टेटपोल लार्वा है, और इसके अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। इसका क्या मतलब है और ये कैसे डेवलप होता है, इसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे।